स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और मीटर के अंदर जो तार कटी हुई रह जाता है उसे निकाल के दिखाया था, लेकिन काफ़ी सारे हमारे कॉमेंट आ रहा था कि सजीर भाई मैंने भी ये सिस्टम किया बट मेरा मीटर ख़राब हो गया। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा मीटर ख़राब क्यों हो जाता है, अगर हम लोग इस तार को निकाले तो किस तरह से निकाले, इसका सिस्टम किस तरह से निकालने का है, पूरा मदद करेंगे ताकि आप लोग अगर तार टूटा हुआ रह जाता है तो मीटर चेंज करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग 100% निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको कौन सा बीट लेना है और कौन सा माप लेना है और आपको छेद किस तरह से करना है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देख लीजिए, हम एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ये टूटा हुआ तार है और मैं यहाँ देखता हूँ। देखिए ये तार इतना सा जाता है, देखो इतना सा। तो अगर इतना सा जाए तो काम नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोगों को लगभग इतना इसके अंदर इतना जाना चाहिए तभी हम लोगों का काम करेगा। और यहाँ देखा तार लगा हुआ है। अब हम क्या करता हूँ, देखिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। डायल खोलना पड़ेगा, कांटा खोलना पड़ेगा, वरना अगर हम चाप दें तो यहाँ से टूट भी सकता है और भांग भी सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज तो गाइस यहाँ देखिए कितना पतला बीट है और इससे भी पतला ये बीट है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप लोग गड़बड़ कर देते हो और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए हमारे यहाँ दो बीट है और ये है हमारा तार। तो गाइस यहाँ आप लोगों को मिला के दिखाता हूँ, जो अगर इस जैसा बीट अगर हम लोग चलाएँ तो हम लोग का छेद बड़ा हो जाएगा और तार भरने का बाद क्या होगा, मीटर काम नहीं करेगा। तो हम लोगों को इस हिसाब से जाना है दुकान पर, जाने के बाद हम लोगों को पतला वाला बीट लेना है। यहाँ देखिए ये सबसे मोटा तार है और यह है मिडिल, ये भी हमको नहीं चलाना है, ये चलाना है। तो इसका नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वरना आपको मैं दिखाता। तो दुकान में आप जब भी जाइए, ये हम लोगों को इनार जो होता है मीटर इनार, ये आप लेके जाइए और बोलिए कि सर इस ये जो तार है इससे पतला हमको बीट देना है। तो आप दो बीट ले सकते हैं। तो दो बीट लेने का कारण मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई कोई बाइक में क्या होता है ये पतला काम नहीं करता है तो उस बाइक में मोटा चला दीजिए, और अगर पतला से काम कर रहा है तो आपको पतला चलाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये वाला बीट लगाते हैं और आप लोगों को 100% छेद करके बताऊँगा किस तरह से आप लोग करें। तो गाइस यहाँ देखिए इसको आप सीधा करके लगाइए और घुमाइए, अगर टेढ़ा करेंगे ना ऐसा टेढ़ा करेंगे तो आपका अंदर ये ख़राब हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। आपको सीधा से एकदम ड्रिल चलाना है, आहिस्ता आहिस्ते करके कटेगा और आहिस्ता आहिस्ते करके अंदर घुसेगा। तो चलिए हम काटता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप लोग इसको इस तरह से पकड़िए और ये वाला जो हम लोगों का चीज़ है इसको आप लोगों को कपड़ा से जैसे कि हाथ में दे कर रखना पड़ेगा, वरना हम यहाँ घुराएँगे ना तो ये मूव अगर होगा तो हम लोगों का छेद नहीं होगा। तो इसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट करने से आप लोग देखिए इस जगह पर हमारा कपड़ा अगर घुस जाता है तो क्या होगा, पिनियम ख़राब हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इसको लगाना है और इस तरह से हम लोग लगाएंगे और थोड़ा हम इसमें डालेंगे जैसे कि ऑयल डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने लगाया। अब चलिए यहाँ से एक आदमी को बताएंगे स्विच को दबाइए, चलो दबाइए। बस, चलिए मारिए। बस, तेल दीजिए। गाइस हम जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग कीजिए, ठीक है, चलो घुमाइए। बस चलिए दबाइए।
तेल दीजिए, तेल दीजिए। इतना सारा जा रहा है, देखो गाइस, मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत का फल नहीं। यहाँ थोड़ा ऑयल दीजिए, मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत का फल नहीं मिलेगा। चलिए रुको रुको रुको, हाँ रुको, तो गाइस थोड़ा और है, चलो थोड़ा और है, निकल रहा है, चलो घुमाइए। बस छोड़ो, तो गाइस देखो ये इतना सा हम लोग जा चुकी है और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये इतना सा जा चुकी है और ये हम लोगों का घूम रहा है। देखो ये हमारा फिट हो चुकी है, देखो देखो यहाँ से इतना सा जा रहा है। दीजिए ऑयल, दीजिए ऑयल दीजिए, बस तो गाइस इस मोटर की मदद से हम थोड़ा इसको लुब्रिकेट करेंगे और फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ घुमाएंगे और घूम रहा है, देखो चलो ऑयल दीजिए, फ्री करेंगे, ऑयल दीजिए, अब उल्टा घुमाएंगे, इसको दबाएंगे, अब ये उल्टा घुमाएंगे, देखो अब मीटर भी आपको दिखाता हूँ हमारा पिनियम काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए देखो 100% काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट भी हमारा उठेगा, देखो अभी जीरो है, जीरो है, देखो यहाँ 6 हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अब गौर करके देखिए, देखो 8 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है हमारा मीटर सही हो गया है। तो गाइस अब फिटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं, आइए गाइस। यहाँ देखिए 100% हम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम आपको फिटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो फिटिंग हम करेंगे, उससे पहले ये लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग खोलते हो और आपका जो चीज़ें ख़राब हो जाता है तो आपको लगाना किस तरह से देखिए, अगर इसको सेटिंग ना करें तो आप लोगों का ट्रिप बटन ठीक से काम नहीं करेगा। मेरे पास काफ़ी सारे मीटर का सामान है, कोई भी पिनियम अगर ख़राब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो ये पिनियम अगर ख़राब हो जाता है ये वाला, तो पॉइंट नहीं उड़ता है, तो आप लोग ये भी पिनियम चेंज कर सकते हैं। देखो हमारे पास काफ़ी सारे पिनियम है मीटर का और कांटा वगैरह सब कुछ है, मीटर का काम करते हैं, क्योंकि हमारे मालदा डिस्ट्रिक्ट पर हम ही एक मैकेनिक है जो मीटर के बारे में काम करते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे मैकेनिक हमको मीटर दे देते हैं रिपेयर करने के लिए, इससे हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, काम करते करते हम लोगों का हैबिट बढ़ता है और एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाता है, तो मैकेनिक लोग भी हम लोगों के पास आता है। तो चलिए हम इसे फिट कर देते हैं और बाइक में लगाएंगे और 100% हम लोगों का काम करेगा। तो गाइस ये सब फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने मीटर असेंबली कर दिया है मीटर कंसोल्ट को, अब हम आपको दिखाते हैं जो हम लोगों का मीटर का तार यहाँ फिटिंग कर दिया है, देखो और यहाँ दिखाइए, देखो हम घुमाते हैं, मीटर काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए तार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ दिखाइए, आप लोग बिलीव नहीं करते हैं जो मीटर को ख़राब कर देते हैं, इसीलिए मैंने फिर वीडियो बनाया ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने तार लगा दिया है, अब यहाँ देखिए, अब इसे भी लगा के आप लोगों को किलोमीटर उठा के दिखाऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस चलिए घुसाते हैं, पहले इसे भर देते हैं अच्छी तरह से, बस ये चल चुकी है, थोड़ा व्हील को घुमाएंगे,
बस ये आराम से चल गया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब किलोमीटर यहाँ दिखाइए, हम व्हील घुमाते हैं, हम व्हील घुमाते हैं। बुरा ले घुमा रहा हूँ, देखो ये काम कर रहा है 100%। ब्रेक मारेंगे, एकदम बंद हो गया, व्हील घुमाएंगे, बस ये काम हो गया बस। तो गाइस आप लोगों ने देखा जो मीटर है, मीटर के अंदर ये जो तार हम लोगों का टूटा हुआ रह जाता है, और क्या होता है काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देते हैं, जो उसे निकालने के लिए मोटा बीट लगा देते हैं, और तार का एक हम लोगों का माप होता है, इस माप से मोटा अगर हम लोग जैसे कि बीट लगा दें तो क्या होता है छेद बड़ा हो जाता है, और तार जब घूमता है तो मीटर नहीं घूमता है। तो काफ़ी सारे मैकेनिक ने कमेंट किया था कि इस तरह से काम करने से क्या होता है मीटर ख़राब हो जाता है। तो गाइस मैंने काफ़ी सारे बाइक में इस तरह से काम किया है, कोई भी बाइक में मेरा पास फॉल्ट नहीं हुआ है। तो आप लोग सावधान से काम कीजिए, सीधा ड्रिल चलाइए, और मिही बीट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग लगाइए, तब जाके आप लोगों का मीटर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये तार टूटने का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं तो आप लोगों को दिखाते रहते हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।